नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेजिटेरियन फूड स्टैंड में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हमने क्या बनाया है। आज हमने बनाई है बेसन की सेव, और वो भी बड़ी मज़ेदार और क्रिस्पी बनी है ये। कई बार ऐसा होता है सोचते पता ना कैसे बनी होगी, इसमें कोई भेद नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है हमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, आपको जितना बनाना उस हिसाब से ले लीजिए। और ये देखिए मैंने इसमें डाली आधे से भी आधा चम्मच हल्दी पाउडर कलर के लिए, आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, आधा चम्मच के से कम मैंने डाली है मिर्च, पिसी हुई मिर्च, और ये मैं डालूँगी इसमें नमक थोड़ा सा हम डाल देंगे, नमक थोड़ा सा डाल दीजिए आप गरम मसाला। और इसमें हम डालेंगे हींग, हींग का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसमें, मैंने हींग भी डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल डाला था, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अब जब उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालिए आप आराम से, इसमें गुठलियाँ ना रहें एक भी, इससे बड़ी क्रिस्पी बनेगी। हमें इसका थोड़ा सा थिक बैटर बनाना है, ना पतला ना गाढ़ा, इसे अच्छे से मिला लीजिए जितना हो सके। और ये देखिए हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। आप इसमें सरसों का ऑयल ना डालें, कोई भी रिफाइंड ऑयल डालें, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने ना एक पोलोथीन ले ली है, आप कोशिश करिए, और इसके लिए ना आप मोटी पोलोथीन लीजिए, थोड़ी मजबूत वाली, क्योंकि जब हम प्रेशर डालेंगे ना तो इसके फटने का डर रहता है। तो इसलिए आप जैसे बिस्किट विस्किट की कोई पन्नी होती है वो ले लीजिए, जो मजबूत हो मतलब। ठीक है, हमारे पास मशीन नहीं है तो हम इस तरह से ही बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसे पन्नी को एक गिलास में डाल लिया है, और इसमें सारा बैटर एक तरफ कर लिया है, सारा कोने में अच्छी तरह से। मैं इसे पहले एक कोने में कर लेती हूँ सारे को इसकी, और फिर ऊपर से ना हम ये देखिए अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, नीचे सारा बैटर नीचे आ जाए, ऊपर हम एक रबड़ लगा देंगे इसके ताकि टाइट रहे। ये देखिए मैंने रबड़ लगा दी है इसमें अच्छी तरह से, हम इसे बाद में कट करेंगे। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, इतने हमें बिल्कुल जलता हुआ ऑयल नहीं करना, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, क्योंकि जब हम डालेंगे ना इसे वरना एकदम से जल जाएंगी, ऊपर से तो पक जाएंगी पर नीचे से क्रिस्पी रह जाएंगी, नीचे से मतलब ऊपर से तो क्रिस्पी रह जाएंगी अंदर से कच्ची रह जाएंगी, मेरा मतलब ये था, गलती से मुँह से निकल गया। तो देखिए अब ये ऊपर से थोड़ी सी ये थोड़ी पन्नी एक्स्ट्रा थी, मैं उसे कट कर लेती हूँ, जो वेस्ट सा पार्ट था ये देखिए। और बिल्कुल जितनी मोटी आपको चाहिए उतना ही आप छेद काटिए, बिल्कुल मैंने जरा सा ही करा है, मुझे ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, मीडियम साइज़ की बनाऊँगी, निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही बनी है ये। अब इधर मेरा तेल भी हो चुका है गर्म, अब मैं इसे थोड़ा दबा के प्रेशर से इससे हाथ के प्रेशर देना इस पर ताकि ये निकलती रहे सेव। ये देखिए आप इसको हाथ से घुमाते रहिए, फटाफट से पकती रहेंगी, और जब ऊपर से पक जाएं तो अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए अब ये नीचे से भी सिक जाएंगे अच्छी तरह से, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप इस तरह से ही बना सकते हैं, या आपके पास ये कद्दूकस होता है ना वो भी ले सकते हैं, जैसे ये पोनी है ये पूरी तलने वाले, ये भी ले सकते हैं, पर छेद इनके बड़े थे तो मैंने इसलिए छेद छोटे होने चाहिए इनके, और कद्दूकस भी अगर यूज़ करें तो उसके भी छेद छोटे होने चाहिए, नहीं तो बहुत मोटी मोटी निकलेंगी ये। देखिए जैसे मेरे पास ये कद्दूकस है, इसके बहुत बारीक छेद हैं, एक ये है एक ये बिल्कुल छोटा सा है, तो हम इसके ऊपर ऐसे हम इस तरह से ही बना सकते हैं। बेसन को रखा और इस तरह से ऊपर से हाथ से इसे प्रेस करते रहेंगे नीचे की तरफ, ये देखिए ये इस तरह से निकलती रहेंगी, ये देखिए है ना बढ़िया, मशीन नहीं है तो हम इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था, शायद आप ये स्किप हो गया था मेरा, मैंने बोला भी नहीं आपको, बताया ही नहीं। तो देखिए हमारी सीख चुकी है कितनी बढ़िया, इसको हाथ से तोड़ेंगे ना आराम से टूट जाती है, मैंने कुछ ये मोटी मोटी सी भी बना दी थोड़ी सी, मगर देखते हैं मोटी सी भी अंदर से, ये भी इतनी बढ़िया बनी है मज़ेदार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और
सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से शेयर